दोस्तों आज भारत दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों वाला देश है और कहा जाता है कि दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। इसके अलावा आज भारत के लोग सिर्फ अपने देश तक ही महदूद नहीं है बल्कि वह यूरोप और अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक हर जगह मौजूद है। लेकिन आज शायद आपको जानकर यकीन ना हो कि आज से 1300 साल पहले भी भारत से कुछ लोग यूरोप गए थे। यूरोप में इन्हें रोमानी बुलाया जाता था और फिर ये लोग धीरे धीरे अपने इंडियन ओरिजिन को भूल गए। 18वीं शताब्दी में पहली बार कुछ सबूत मिले जिन्होंने प्रूव किया कि रोमानी लोग भारत से आए थे और फिर आज की जेनेटिक टेक्नोलॉजी ने इस बात को पूरी तरह बिना शक के सामने रख दिया। पर कौन थे लोग, ये यूरोप क्यों गए थे और फिर वहां पर ही क्यों बस गए? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम तलाशेंगे आज की इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रोमानी लोग दो अलग अलग टाइम पीरियड्स में भारत से यूरोप की तरफ चले थे और ये दोनों ही वक्त भारत पर हुए इस्लामिक हमलों से जुड़े हुए हैं। रोमानी लोग इसीलिए भी एक तरह से चर्चा का विषय है क्योंकि यूरोप में उस वक्त इन्हें बहुत ही अलग नजर से देखा जाता था क्योंकि इनका धर्म और इनकी प्रैक्टिसेस यूरोप से अलग थी और साथ ही ये लोग अलग रेस में भी थे। तो यूरोप में भी ये समझा जाता था कि ये लोग जादूगर हैं या फिर इन्हें किसी ने जासूस की तरह भेजा है। इस तरह की ओपिनियंस और हेट्स इन लोगों के खिलाफ बहुत अंत तक भी रही और जब दूसरे विश्व युद्ध का दौर था तब हिटलर ने सिर्फ ज्यूस को ही नहीं बल्कि 7 से 8 लाख रोमानी लोगों को भी मारा था। रोमानी लोगों को यूरोप में जिप्सी भी बोला जाता था क्योंकि कई लोग समझते थे कि ओरिजिनली इजिप्ट से आए। अगर हम रोमानी लोगों को ट्रेस करें तो हमें दो मेन ग्रुप्स मिलते हैं, एक थे रोमा और दूसरे थे सिंथी। सिंथी लोग 7 से 8वीं शताब्दी के बीच में यूरोप पहुंचे थे क्योंकि समय इस्लाम का जन्म हुआ था और फिर तेजी से मिडिल ईस्ट से निकलकर ये दुनिया में फैल रहा था। इस वक्त की राशिदन और उम्मायद डायनेस्टीज तेजी से यूरोप और सेंट्रल एशिया के इलाकों पर कब्जा कर रही थी। इसी समय लोग भारत की तरफ भी बढ़े क्योंकि भारत एक तरह से इनके लिए दौलत का खजाना था। उम्मायद डायनेस्टी जब भारत पहुंची तो उनका एक क्लियर मोटिव था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा करना है और लोगों को अपना गुलाम बनाना है। मजेदार बात यह थी कि लोग यहाँ के लोगों को मुसलमान नहीं बनाना चाहते थे और उसकी एक खास वजह थी, वो था जजिया। ये वो टैक्स होता था जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था और जितने ज्यादा लोग नॉन मुस्लिम होते हैं उतना ही ज्यादा टैक्स भी आता है। इसलिए हम ये भी देखते हैं कि इस्लामिक रियासतों में ज्यादातर 8 से 10% आबादी ही मुस्लिम हुआ करती थी। खैर जैसे ही ये लोग भारत आए तो उन्होंने भारत के पश्चिमी क्षेत्रों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन राजपूतों और चालुक्य डायनेस्टी के वॉरियर्स के कारण ये कभी भी यहाँ सेटल नहीं हो पाए और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन इस बीच उन्होंने सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध से ही सिंथी नाम पड़ा। सिंथी लोग ज्यादातर लोहार, म्यूजिशियंस और मोची हुआ करते थे जो जजिया से बचने के लिए वेस्ट की तरफ भागे। ये लोग ईस्ट में जाकर बाकी के भारत में सेटल नहीं होना चाहते थे क्योंकि वहां पर पहले से ही बाकी लोहार जातियां थी जिस वजह से उन्हें वहां पर कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ता। उमायद लोगों ने सिंध में बहुत लूट मार मचाई थी। यहाँ के लोगों को मिडिल ईस्ट के स्लेव मार्केट्स में बेचा जा रहा था और साथ ही यहाँ की सारी फसलों को बर्बाद कर दिया गया था जिस वजह से सिंथियों का यहाँ से जाना जरूरी हो गया था। ये लोग पहले ईरान की तरफ गए लेकिन ईरान में ज्यादा वक्त तक नहीं रुके। इसका एक प्रूफ हमें ये भी मिलता है कि इन लोगों की भाषा में फारसी से सिर्फ 7 या 8 शब्द हैं जबकि आर्मेनियन भाषा के कई शब्द सिंथी भाषा में मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ईरान से होते हुए आर्मेनिया में बस गए थे। आर्मेनिया में बसने का एक फायदा ये भी था कि उस वक्त ये बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर था जो कि क्रिश्चियन एम्पायर था, इसीलिए उन्हें यहाँ पर जजिया नहीं देना पड़ता था। यहाँ पर इन लोगों को अतनगानी बुलाया जाता था और इन्हें फॉरनर्स की तरह काफी शक की निगाहों से देखा जाता था क्योंकि इनके रिचुअल्स काफी ज्यादा वैदिक थे और साथ ही ये लोग कास्ट सिस्टम को भी फॉलो करते थे। शायद यही कारण थे कि इन लोगों को जादू टोना करने वाले लोगों जैसा देखा गया। इस समय के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हमें साल 803 का एक किस्सा मिलता है जब यहाँ के राजा ने सिंथियों से मदद मांगी थी। उनके राज में कई सारे विद्रोह उठने लगे थे और तब कहा जाता है कि सिंथी लोगों ने जानवरों की बलि देते हुए एक पूजा की थी जिसके बाद विद्रोह का संकट टल गया। राजा ने इसके लिए रिवॉर्ड देना चाहता था लेकिन तब के चर्च के लोगों ने इनके धर्म के कारण राजा को ऐसा करने से रोक लिया। चर्च के कारण इन लोगों के लिए यहाँ रहना भी काफी मुश्किल हो गया था और बहुत वक्त तक आर्मेनिया में रहने के बाद ये लोग आगे बढ़े और धीरे धीरे फिर ग्रीस से होते हुए यूरोप के बाकी देशों में सेटल हो गए। अब आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ जो रोमा लोग थे। रोमा लोग 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में भारत से यूरोप की तरफ गए थे और ये वो समय था जब महमूद गजनबी ने भारत पर हमला बोला था। गजनी ने भारत पर लगातार कई सारे अटैक्स किए जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान और पंजाब के इलाकों को हुआ। इसी वजह से माना जाता है कि रोमा लोग भी इन इलाकों से निकले थे। लेकिन रोमा लोगों में ये खासियत थी कि लोहार और मोची होने के साथ साथ इनमें से कई लोग घोड़े पालना भी जानते थे
जिस वजह से गजनी से भागे नहीं बल्कि उन्होंने काफी वक्त तक तुर्की और गजनी की सेना को भी ज्वाइन कर लिया और वो उनके लिए काम करने लगे। इनमें से कई सारे लोग ईरान में सेटल हो गए और ईरान में इन्हें लोरी बुलाया जाता था। लोरी लोगों के बारे में फारसी शायरी में भी काफी जिक्र आता है और इन्हें फारसी के मशहूर शायर फिरदौसी ने भी कई बार अपनी पोएम में याद किया है। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ बस कर इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन बाकी लोग आगे की तरफ मूव कर गए थे। ये लोग भी दोबारा आर्मेनिया ही पहुंचे और आर्मेनिया में दोबारा उन्हें अतनगानी नाम से बुलाया जाने लगा, जबकि रोमा लोग सिंथिया से 300 साल बाद आर्मेनिया पहुंचे थे। आर्मेनिया पहुंचकर बहुत से रोमा लोगों ने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था लेकिन इनके रिलीजन में अभी भी कई सारी वैदिक परंपराएं देखी जा सकती थी। आर्मेनिया में इन लोगों पर कई तरह के सोशल और लीगल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही थी, जैसे कि रोमा लोग कभी भी कोई हाई पोजीशन सोसाइटी का एक्वायर नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बाद 14वीं शताब्दी के आसपास जब ऑटोमन एम्पायर राइज पर था और धीरे धीरे उसने आर्मेनिया के इलाकों पर भी कब्जा करना शुरू किया, इस वॉर से बचने के लिए और साथ ही फिर से जजिया कर के डर से रोमा लोगों ने इस इलाके को छोड़ दिया और वो फिर आगे की तरफ बढ़े। कई सारे रोमा लोग पेलोपोनेसस के एरिया में माइग्रेट करने लगे और यहाँ पर कई सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड समय बाद बताते हैं कि इन्होंने यूरोपियंस के साथ मिलकर मिलिट्री में शामिल होने का फैसला किया और बढ़ते हुए ऑटोमन एम्पायर का भी मुकाबला किया। इनमें हमें जॉन द जिप्सी नाम के आदमी का एक जिक्र भी मिलता है जो रोमा था लेकिन वो एक मिलिट्री लीडर की रैंक तक पहुंच चुका था और उसने इस लड़ाई में बड़ा रोल निभाया। लेकिन ऑटोमन एम्पायर को ज्यादा वक्त तक नहीं रोका जा सका और ऑटोमन्स को बहुत ही क्रूर भी माना जाता था। ये कहा जाता है कि उस वक्त ये लोग 10 साल की उम्र से बड़े हर मर्द या बच्चे को कत्ल कर देते थे और इन्हीं के डर से रोमा लोग यहाँ से भागकर पोलैंड, रोमानिया और ऑस्ट्रिया के रास्ते से धीरे धीरे वेस्टर्न यूरोप में दाखिल होना शुरू हो गए। यहाँ पर भी इन लोगों ने काफी यात्राएं सही और यूरोपियंस द्वारा इन लोगों को स्लेव्स की तरह मार्केट में भी बेचा जाने लगा। एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में हमें 1385 की कैसी स्लेव ट्रांजैक्शन मिलती है जब 40 फैमिलीज को स्लेव बनाकर गिफ्ट की तरह किसी मोनेस्ट्री में भेजा गया। मारिया थेरेसा नाम की क्वीन के जमाने में तो रोमा फैमिलीज के बच्चों को उनके माँ बाप से दूर करके उन्हें यूरोपियन घरों में पाला जाता था और एडल्ट्स रोमा लोगों पर इल्जाम लगाए जाते थे कि ऑटोमन साम्राज्य द्वारा भेजे गए जासूस हैं, जबकि वो तो खुद उनसे तंग होकर वहां से आए थे। रोमा लोगों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन कई सदियों तक चलता रहा और जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तब भी इन लोगों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। हिटलर के जमाने में क्या हुआ ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन आज भी यूरोप में इन लोगों के खिलाफ रेसिस्ट अटैक देखे जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अब भारत के नहीं बल्कि उन यूरोपियन कंट्रीज के ही नागरिक हैं, क्योंकि ये सैकड़ों सालों से वहीं रह रहे हैं। इसीलिए हमें इन्हें अब भारतीय तो नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि लोग भी भारत से ही वहां पहुंचे थे। क्या आपको आज से पहले रोमा या सिंथी लोगों के बारे में मालूम था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।